स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य ने लोकसभा चुनाव के साथ चरण चार तक अपने राज्य विधानसभा के लिए मतदान पूरा कर लिया था? ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। आंसर ए आंध्र प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, 13 मई 2024 को हुए लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदान प्रतिशत 67.71% दर्ज किया गया। 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की 175 और ओडिशा की 28 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हुआ। अगला प्रश्न, भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? ए कोलंबो का बंदरगाह, बी चाबहार में शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह, सी चटगांव बंदरगाह, डी कराची का बंदरगाह। आंसर चाबहार में शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह। एक्सप्लेनेशन, भारत और ईरान ने सहयोग बढ़ाने और चाबहार बंदरगाह को क्षेत्रीय व्यापार पारगमन और कनेक्टिविटी केंद्र बनाने के लिए शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के संचालन के लिए एक दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और भारत, ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बीच एक छोटा व्यापार मार्ग प्रदान करता है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ए जापान, बी चीन, सी नीदरलैंड, डी यूएसए। आंसर सी नीदरलैंड। एक्सप्लेनेशन, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन 13 से 15 मई 2024 तक रोटरडम, नीदरलैंड में आयोजित किया जा रहा है। भारत ने पहली बार इस आयोजन में अपना स्वयं का पवेलियन स्थापित किया है। भारतीय पवेलियन को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन मंत्रालय के सचिव भूपिंदर एस भल्ला ने किया। अगला प्रश्न, हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? ए मोइन अली, बी आदिल रशीद, सी जोस बटलर, डी जेम्स एंडरसन। आंसर डी जेम्स एंडरसन। एक्सप्लेनेशन, इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले जाने वाले टेस्ट के बाद वह क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। जुलाई में 42 साल के होने वाले एंडरसन ने 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ लॉर्ड्स में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने 700 विकेट लिए हैं, जो टेस्ट इतिहास में किसी भी तेज गेंदबाज द्वारा सबसे अधिक है। वहीं जिमी के नाम वनडे में 269 विकेट दर्ज है। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ए लकपा शेरपा, बी कामी रीता शेरपा, सी पासंग दावा शेरपा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी कामी रीता शेरपा। एक्सप्लेनेशन, कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 29वीं बार कदम रखकर इतिहास रच दिया है। कामी रीता माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने वाले पर्वतारोही बन गए हैं। वह पहली बार 1994 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया था। नेपाल सरकार ने इस वर्ष अप्रैल से जून तक चलने वाले वसंत ऋतु के लिए पर्वतारोहियों को लगभग 400 पर्वतारोहण परमिट जारी किए हैं।